हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ विशाल सिन्हा। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर पे बात करने जा रहे हैं एंड द सेकेंड लेक्चर इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट लेक्चर पे हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उस लेक्चर को आप देखने के लिए यूट्यूब पे जा सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है वो। यहाँ पे देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस was asked and are asked in your examinations, board के examinations में भी और competition के examinations में भी questions यहाँ से बहुत सारे पूछे जाते हैं। देखते हैं हम लोग, जो सबसे पहला point हम लोग discuss करने जा रहे हैं वो है ovary, है ना, ovary। तो पहला question उठता है कि ovary है क्या भाई, what is ovary? तो देखिए कहता है ovary is called as primary sex organ। मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन टेस्टिस को बोला जाता था, इसलिए क्योंकि वहां पे किसका फॉर्मेशन होता था, स्पर्म का। फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन किसको बोला जाता है, ओवेरी को। क्यों? बिकॉज ओजेनेसिस टेक्स प्लेस, क्योंकि यहां पर क्या बनते हैं, ओजेनेसिस होता है। ओजेनेसिस का मतलब हो गया ओवम का फॉर्मेशन। है ना, तो देखेंगे ओवम का फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, ओवेरी में। इसीलिए ओवेरी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन। क्लियर है? दूसरा देखते हैं, जो ओवेरी होता है वो वन पेयर प्रेजेंट होता है। वन पेयर का मतलब हो गया दो, टोटल टू, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो टोटल नंबर ऑफ जो ओवेरी है वो कितना प्रेजेंट होते हैं, वन पेयर। दूसरा कहता है ओवेरियन लिगामेंट, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है ओवेरियन लिगामेंट क्या है, ओवेरियन लिगामेंट अटैच्ड विथ यूट्रस एंड फिम्बरी अटैच्ड विथ फेलोपियन ट्यूब। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, अभी जस्ट डायग्राम देखेंगे हम जब तो वहां पर क्लियर होगा। तो पहले समझते हैं ये ओवेरियन लिगामेंट वाला पॉइंट एम्स में पूछा जा चुका है, नीट में नहीं पूछा गया, एम्स में पूछा गया। ओवेरियन लिगामेंट क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ओवेरी है ना, तो ओवेरियन लिगामेंट इससे अटैच होता है ओवेरी से। ओवेरियन लिगामेंट ओवेरी को पकड़ के रखता है, ठीक है। और फिम्बरी का भी काम क्या होता है, वो ओवेरी को पकड़ के रखेगा। मतलब क्या हो गया कि ओवेरी दो साइड से पकड़ा हुआ होता है ना, फिम्बरी से और एक ओवेरियन लिगामेंट से। उसका फिगर देखेंगे अभी हम लोग। दूसरा कहता है इच ओवेरी अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक ओवेरी है ना, टोटल ओवेरी कितना पाया गया, दो। एक ओवेरी का जो लंबाई होगा वो 2 से 4 सेंटीमीटर होगा फीमेल के केस में। इच ओवेरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। क्लियर है ना यहां पे? अब फिगर देखेंगे हम लोग। देखिए यहां पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सबसे पहले ओवेरी के बारे में, तो देखिए ये रहा आपका ओवेरी, है ना। फिर हमने डिस्कस किया कि ओवेरी ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ा हुआ होता है, तो आपका ये रहा ओवेरियन लिगामेंट। ये क्या रहा आपका, ओवेरियन लिगामेंट। तो ओवेरियन लिगामेंट का क्या काम है, इट होल्ड्स द ओवेरी फ्रॉम यूटरस। ओवेरियन लिगामेंट का काम क्या है, ये ओवेरी को पकड़ के रखता है किसके साथ, यूटरस के साथ। दूसरा देखिए ये फिम्बरी है, फिम्बरी क्या करता है ना कि एक तरफ से ओवेरी को कौन पकड़ के रखा, ओवेरियन लिगामेंट, और दूसरे तरफ से ओवेरी को कौन पकड़ेगा, फिम्बरी। तो फिम्बरी भी क्या करता है, ओवेरी को पकड़ के रखता है। इसी को ध्यान देना है, एक ही चीज है, डिफरेंस है थोड़ा सा, एक यूटेरस के साथ जोड़ के रखता है और एक फेलोपियन ट्यूब के साथ, है ना। तो ओवेरियन लिगामेंट किसके साथ जोड़ के रखा है, यूटेरस के साथ, और फिम्बरी किसके साथ जोड़ के रखा है, फेलोपियन ट्यूब के साथ। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग, ये क्लियर है ना, क्योंकि ओवेरी हो गया,
फिम्ब्री हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे, देखिए इस ओवरी के अंदर ओवम होता है, तो हमको पता चल गया कि ओवम का फॉर्मेशन, ओवम बनता है कहां पे, ओवरी के अंदर। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि ओवरी के अंदर ओवम बनता है कि ओवम के अंदर ओवरी, है ना। तो याद रखेंगे ओवम का फॉर्मेशन कहां होता है, ओवरी के अंदर, ठीक है। तो ओवम यहां पे बनेगा। अब देखिए ओवम जब यहां पे बनेगा ओवरी के अंदर, तब ये ओवम फिम्ब्री के द्वारा, फिम्ब्री का पहला फंक्शन हमने देख लिया है कि ये ओवरी को पकड़ के रखता है। दूसरा काम फिम्ब्री का क्या होता है कि ये इस ओवम को, जिसको हम लोग एग भी बोलते हैं, और एग, जिस ओवम को या एग को सक करने में, खींचने में मदद करता है ऊपर की ओर, है ना। तो फिम्ब्री का एक और काम क्या है, ये एग को क्या करता है, सक करता है और कहां पहुंचा देता है, फेलोपियन ट्यूब में। क्लियर है, कह रहा है क्या कि फिम्ब्री क्या किया, एग को सक किया, क्योंकि फिम्ब्री अटैच है किसके साथ, फेलोपियन ट्यूब के साथ, तो और फिर कहां पहुंचा दिया, फेलोपियन ट्यूब में। यहां तक क्लियर है ना, ओवरी क्लियर हो गया, ओवरी के अंदर ओवम बनता है क्लियर हो गया, फिम्ब्री का काम पता चल गया, दो काम था इसका, एक पकड़ के रखना और एक एग को खींचना ऊपर की ओर। अब आते हैं हम लोग फेलोपियन ट्यूब पे, यहां तक क्लियर है, चलिए उसको आप नोट करते जाएंगे बाबू, और क्योंकि आपके पास सेव है आसानी से बैक करके उसको आप आराम से नोट करेंगे, आसानी से समझेंगे। आगे देखते हैं हम लोग फेलोपियन ट्यूब पे आते हैं। हम लोग कहता है क्या, फेलोपियन ट्यूब का टोटल कितना पार्ट्स है, देखिए तो तीन पार्ट्स है, है ना, एक दो तीन, है ना। इसका मतलब हो गया कि देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का कितना पार्ट्स हो गया, तीन। पहला इन्फंडिबुलम, यहां से करेंगे ऊपर से, पहला इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। कौन कौन है, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस, देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अब देखिए पहला है क्या, इन्फंडिबुलम। तो सबसे पहले हम लोग इन्फंडिबुलम के बारे में डिस्कस करेंगे। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा कि ये ओवेरी है ना और ये इन्फंडिबुलम है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ओवेरी से सबसे क्लोज पार्ट इन्फंडिबुलम का कौन सा है, सॉरी ओवेरी से सबसे क्लोज पार्ट फेलोपियन ट्यूब का कौन सा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इन्फंडिबुलम, है ना। इसका मतलब हो गया हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं इन्फंडिबुलम के बारे में, क्लोजेस्ट पार्ट फ्रॉम ओवेरी। क्लियर है, जो इन्फंडिबुलम है वो ओवेरी से क्या है, सबसे नजदीक पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का। अब आप सोचिए कि जब ये सबसे नजदीक है ओवेरी के, तो सबसे पहले एग कहां पहुंचेगा, इन्फंडिबुलम में पहुंचेगा ना। दो चीज याद रखेंगे, सबसे नजदीक पार्ट है ओवेरी से और एग सबसे पहले कहां पहुंचेगा, इन्फंडिबुलम में, क्योंकि बिकॉज इट इज मच मोर क्लोजेस्ट पार्ट फ्रॉम ओवेरी, क्योंकि ये ओवेरी से सबसे क्लोज पार्ट है, इसीलिए ओवम जो है वो सबसे पहले कहां पहुंचेगा, इन्फंडिबुलम में पहुंचेगा, ठीक है। एग या ओवम, क्लियर हो गया ना, इन्फंडिबुलम क्लियर हो गया आपका। अब हम लोग देखते हैं एम्पुला के बारे में। देखिए एम्पुला के बारे में देखते हैं, ये दूसरा नंबर है। बायोलॉजी में एक पॉइंट को याद रखेंगे हम लोग, जहां भी फुला फुला पार्ट नजर आएगा, कैसा पार्ट नजर आएगा, फुला फुला, उसको हम लोग बोलेंगे एम्पुला। एम्पुला, फुला फुला, मतलब फुला फुला
स्वेलिंग पार्ट जो आपको नजर आएगा, जो हल्का सा स्वेलिंग पार्ट आपको नजर आएगा, फुला हुआ पार्ट नजर आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पुला। ठीक है, इसका क्या है मेन डायग्राम क्या है यहाँ पे, जो डायग्राम बना हुआ है एक्चुअली में कैसा डायग्राम होता है, देखिए ये हो गया आपका क्या एम्पुला, ये आपका हो गया इनफंडिबुलम, और ये हो गया आपका ठीक है। तो हम लोग देखें क्या, सबसे पहले एग कहां पहुंचा, इनफंडिबुलम में, उसके बाद एग कहां पे आएगा, एम्पुला में, क्योंकि हम लोगों को यह बात पता है, है ना, कि एम्पुला क्या है, फुला हुआ पार्ट है। तो देखिएगा, फुला हुआ पार्ट होने की वजह से एग वहां पर आके रुकेगा, है ना, और स्पर्म के आने का इंतजार करता है। इसका मतलब कि क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि एग का और स्पर्म का मिलन सबसे पहली बार कहां होता है, तो एम्पुला में होता है। सबसे पहली बार एग का फर्टिलाइजेशन कहां होता है, तो एम्पुला में होता है। समझ रहे हैं, सबसे पहली बार एग का फर्टिलाइजेशन कहां पे हुआ, एम्पुला में हुआ, है ना। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में पूछा गया, कॉम्पिटिशन क्वेश्चन इसे बहुत सारे पूछे गए इसी पॉइंट से। क्वेश्चन क्या पूछे गए, एग का जो फर्टिलाइजेशन है वो फेलोपियन ट्यूब में कहां पे होता है, एग का फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में कहां पे होता है, तो उसका आंसर क्या देंगे हम लोग, एम्पुला में। या ऑप्शन और भी बहुत सारे दिए गए, क्या ऑप्शन दिए गए, जोन और जंक्शन ऑफ जोन और जंक्शन ऑफ इनफंडिबुलम एंड स्थमस। मतलब क्या हो गया इसका, कि कई बार ऐसा देखा जाता है ना, जैसे एम्पुला है, ये स्थमस है ना, तो ये तो स्वेलिंग पार्ट है, तो हल्का सा एग इधर की ओर सरक जाता है, तो इसीलिए कभी कभी ऑप्शन ऐसा भी पूछा जाता है। तो एम्पुला और स्थमस के बीच के जो जगह है, ये दोनों बीच का जो जगह है, इसको हम लोग बोलते हैं जोन और जंक्शन ऑफ इनफंडिबुलम एंड स्थमस। सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, जोन और जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड स्थमस। एम्पुला और स्थमस के बीच में एग का फर्टिलाइजेशन होता है, ऐसा हम लोगों को लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कि एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तीन ही ऑप्शन दिया जाएगा, इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस, तब हम लोग क्या टिक मारेंगे, एम्पुला। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टेक्स प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब, और ऑप्शन दिया जाएगा जोन और जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड स्थमस, ठीक है, तो इसको हम लोग टिक आउट कर लेंगे। क्लियर है ना, यहाँ पे ये आपको पता चल गया इनफंडिबुलम के बारे में, एम्पुला और स्थमस के बारे में। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। ये हमको पता चल गया कि फेलोपियन ट्यूब का तीन पार्ट्स है, तीनों पार्ट्स को हम लोगों ने देख लिया। अब यहां पे आते हैं, तो कह रहा है क्या कि देयर आर थ्री लेयर्स ऑफ यूटरस। यूटेरस का कितना लेयर है, तीन लेयर, कौन कौन, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। थ्री थ्री लेयर्स ऑफ यूटरस, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम, है ना। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहले देखिए पेरीमेट्रियम के बारे में, पहले हम लोग समझते हैं कि पेरीमेट्रियम क्या है। है ना, पेरीमेट्रियम क्या, पहला पॉइंट है, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूटरस। पहला क्या है,
आउटर मोस्ट लेयर ऑफ यूटरस, ये यूटरस का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, है ना। उसके बाद देखते हैं पेरिमेट्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। देखिए ध्यान से, कहता है क्या कि यूटरस का साइज, बहुत सारे फीमेल के केस में यूटरस का साइज एक्सपेंड हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, फैल जाता है, है ना। तो ये यूटरस हो गया आपका, ये यूटरस का साइज फैल जाता है। उस यूटरस के फैले हुए साइज को फिर से नॉर्मल शेप एंड साइज में लाने में जो मदद करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिमेट्रियम। इसका मतलब क्या हुआ, इट प्रोवाइड्स प्रॉपर शेप एंड साइज टू यूटरस। यूटरस का प्रॉपर शेप और साइज कौन प्रोवाइड करता है, पेरिमेट्रियम, है ना। इन विच लेडी, इन द केस ऑफ दोज लेडीज इन विच यूटरस आर मच मोर एक्सपेंडेड, बहुत ज्यादा जिस फीमेल के केस में यूटरस फैल जाएगा उस केस में यूटरस को फिर से प्रॉपर शेप और साइज में लाने में जो मदद करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिमेट्रियम। इसका मतलब दूसरा क्या हो गया, इट प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड प्रॉपर शेप एंड साइज टू यूटरस। क्लियर है यहां पे, ये दो पॉइंट याद रखना पेरिमेट्रियम का, है ना। तीसरा हम लोग देखते हैं, ये सीबीएसई के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है एक आध दो बार देखने के लिए मिला है, व्हाट इज पेरस मदर। पेरस मदर किसको बोलते हैं, सबको लगा होगा पेरस मदर, देखिए देख ले भाई, पेरस मदर इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए। हम बोल रहे हैं पेरस मदर का मतलब क्या हो गया, दोज मदर विच हैव मोर देन थ्री चाइल्ड, वैसी माँ जिसके पास तीन से ज्यादा बच्चे हैं, है ना। जिस फीमेल के पास तीन से ज्यादा बच्चे होंगे वैसी मदर को बोला जाता है पेरस मदर। मतलब वैसी मदर के केस में यूटरस का साइज बहुत ज्यादा फैल जाता है ना। तो वैसे केस में पेरिमेट्रियम उसको फिर से नॉर्मल शेप और साइज में लाने में हेल्प करेगा। क्लियर, पेरिमेट्रियम क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं, दूसरा हम लोग देखते हैं मायोमेट्रियम। दूसरा क्या है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के साथ क्या पंगा है, ये मिडिल लेयर है ना, इट इज द मिडिल लेयर ऑफ यूटरस। ये यूटरस का क्या है, मिडिल लेयर है, देखिए ये, और ये काफी थिक भी होता है, मोटा भी होता है, के लिखा हुआ है के, कह रहा है ये मिडिल और थिक लेयर है यूटरस का। थिक का मतलब क्या हो गया, थोड़ा मोटा होता है ये। इसका दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना, आपको दो ही याद रखना है, दो से ही सारा कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन सब बनेगा। पहला बात क्या है मायोमेट्रियम के साथ, ध्यान से सुनिएगा, जब बच्चा है ना, जब बच्चा यहां पर पल रहा होगा, मतलब दो महीना तीन महीना हो गया पल रहा होगा, जब बेबी यहां पे क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उस दौरान मायोमेट्रियम मदर के बॉडी से भोजन को लेके और बच्चे तक पहुंचाएगा। पहला फंक्शन क्या था, पहला फंक्शन कि मदर के बॉडी से भोजन को बच्चे के बॉडी तक पहुंचाएगा, कौन, मायोमेट्रियम। ये पहला फंक्शन था, उसको हम लिख लेते हैं पहले। ये क्या करेगा, बेबी को नरिश करता है, बेबी को भोजन प्रोवाइड करता है ना, कहां से, मदर के बॉडी से। दूसरा क्या है, ये पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है कि अगर मान लीजिए 9 मंथ हो गया, मतलब बच्चा अब बाहर आने के लिए तैयार है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा फंक्शन मायोमेट्रियम का, बच्चा
9 मंथ मान लीजिए पूरा हो गया मदर के बॉडी में बच्चे का, अब बच्चा बाहर आने के लिए तैयार है, उस दौरान मायोमेट्रियम क्या करेगा कि ऊपर से प्रेशर लगाएगा और बच्चे को बाहर आने में भी क्या करेगा, मदद करेगा। क्या था फंक्शन कि अगर बच्चा 9 मंथ हो गया, बच्चा पूरी तरह से तैयार हो गया है मदर के बॉडी में यूट्रस में, उस दौरान मायोमेट्रियम मदर के यूट्रस पे ऊपर से प्रेशर लगाएगा ताकि बेबी आसानी से कहां आ जाए, बाहर आ जाए। ठीक है, ये बेबी को बाहर निकलने में आसानी से भी क्या करता है, मदद करता है। क्लियर हो गया मायोमेट्रियम। अब हम लोग लास्ट थर्ड वन देखते हैं, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडोमेट्रियम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, तीनों में सबसे जबरदस्त है। इसमें क्या है एक्चुअली, होता क्या, देखिए इंडोमेट्रियम वाले में ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, आप देख सकते हैं ये जो रेड वाला दिख रहा है ना आपको, रेड वाला ये सब क्या है, इंडोमेट्रियम है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, सबसे पहला पॉइंट। इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। दूसरी बात क्या है कि यहां पे ब्लड का जो सर्कुलेशन है बहुत फास्ट होता है, इंडोमेट्रियम में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, देखिए मान लीजिए अगर एग यहां पे आया है ना, अभी हमने देखा एग आया, एग को मान लीजिए स्पर्म नहीं मिला, तो अगर एग को स्पर्म नहीं मिलेगा तो एग फर्टिलाइज नहीं करेगा, एग को स्पर्म नहीं मिलेगा तो एग फर्टिलाइज नहीं करेगा, और एग अगर फर्टिलाइज नहीं करेगा तब ये जो इंडोमेट्रियम है ये हाफ आधा आधा दोनों तरफ से टूट जाएगा और ब्लड के रूप में वेजाइना के द्वारा बाहर आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पीरियड या मेंसुरेशन, है ना, मेंसुरल साइकिल होता है, बाहर आ जाएगा। अगर ये एग फर्टिलाइज कर गया तब बेबी यहां पे पलने लगेगा, तब ये टूटेगा नहीं, तब ये बेबी के सर्कुलेशन में हेल्प करेगा। क्लियर हुआ, देखते हैं। अगर एग फर्टिलाइज नहीं किया तब इंडोमेट्रियम लाइन क्या होगा, टूटेगा और ब्लड के रूप में कहाँ जाएगा, बाहर, जिसको हम लोग मेंसुरल या ब्लड बोलते हैं, है ना। और अगर एग मिल गया तब तो ये फर्टिलाइज कर जाएगा, तब ये टूटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, है ना। और इस इंडोमेट्रियम में ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी फास्ट होता है। यहाँ क्लियर है इंडोमेट्रियम, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं है, आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा है बाबू, देखते हैं थर्ड वन। हम लोगों ने देखा देयर आर थ्री लेयर, यूटेरस का तीन लेयर देखे हम लोग, फेलोपियन ट्यूब का तीन पार्ट देखे, अब देखेंगे यूटेरस का तीन पार्ट्स। देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ यूटेरस। सबसे पहला फंडस, इसको बोलते हैं हम लोग बॉडी, और इसको बोलते हैं सर्विक्स, है ना। मेनली हम लोग को बॉडी के बारे में देखना है, जहां से आपको क्वेश्चन अराइज किया जाएगा। बॉडी में क्या है, बॉडी का सबसे मेन चीज, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, आगे लिखा हुआ भी है, बॉडी में क्या है कि बेबी यहीं पर पलेगा। बॉडी इज द स्वेलो पार्ट, बॉडी जो है यूट्रस के बीच का जो बॉडी है वो काफ़ी फुला हुआ पार्ट होता है और वहाँ काफ़ी स्पेस प्रेजेंट होता है, और यहीं पर बच्चा पलता है 9 मंथ तक यहीं पे। अब ये मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, सर बेबी बनता कैसे है, बेबी यहाँ तक पहुँचता कैसे है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। इसीलिए जो आपका लेक्चर थर्ड है, जो तीसरा लेक्चर होने जा रहा है,
वो इसके बारे में होगा, है ना, कि कैसे ब्लड गिर रहा है, मेंस्ट्रुअल कैसे हो रहा है, फिर बच्चे के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका थर्ड लेक्चर और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ काफ़ी एक्साइटेड है, क्योंकि अगर आपको वो नहीं पता चलेगा, थर्ड लेक्चर अगर आपको नहीं पता चला तो ये जानने से फ़ायदा ही नहीं, और ये आपको पता नहीं रहा तो थर्ड लेक्चर में भी फ़ायदा नहीं है। तो ध्यान से देखिए, हमको ये पूरा क्लियर हो गया ना, बॉडी क्या है, मेन पार्ट है, यहीं पर क्या होगा, बेबी का ग्रोथ होगा, बेबी यहीं पर पलेगा, 9 मंथ तक मदर के बॉडी में, मदर के यूटरस में ही बच्चा यहीं पर डेवलप होता है, और फिर यहाँ के द्वारा, सर्विक्स के द्वारा, ये यहाँ कैनाल है, फिर वेजाइना है, यहाँ के द्वारा कहाँ आएगा, बाहर आएगा। ठीक है, क्लियर है। देखिएगा, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सब चीज़ों के बारे में। यहाँ पे क्या है, फिम्बड़ी है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसका काम क्या होता है, ये ओवेरी को होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखता है, और ओवम को भी ऊपर की ओर सक करने में हेल्प करेगा। फिर हम लोगों ने देखा कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का कितना है, 3 पार्ट्स है, कौन कौन, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। मिस्टेक हो गया है, कौन है, इस्थमस, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। क्लियर है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है अभी तुरंत। दूसरा है कि 3 लेयर ऑफ यूटरस, हम लोगों ने यूटरस के 3 लेयर्स को भी देखा है अभी तुरंत देखा है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। हम लोग शॉर्ट में इसको बोल सकते हैं पेरी, मायो एंड इंडो। ठीक है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम के बारे में हम लोगों ने देखा है ना, आउटर लेयर है, मायोमेट्रियम मिडिल लेयर एंड इंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर। तीनों के फंक्शन के बारे में भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ यूटरस, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। इसके बारे में भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिगर काफी इंपॉर्टेंट है आपका, उसी फिगर के द्वारा सारा सॉल्यूशन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आते हैं हम लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ ओवरी। देखिए, ये हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ ओवरी, इसको हम लोग एनाटॉमिकल भी बोल सकते हैं, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। हम लोग ओवेरी के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से एग बाहर आता है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा कि स्पर्म कैसे बनता है, कैसे बाहर आता है। सेकेंड लेक्चर में फीमेल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से ओवम बनेगा और वो कैसे बाहर आएगा। ध्यान से देखते हैं हम लोग, देखिए एक रफ डायग्राम हम लोग यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। देखिएगा, उसी स्ट्रक्चर को जो हम लोग देखे थे वहां पे डायग्राम, उसी के हम लोग हिस्टोलॉजिकल स्टडी को देख रहे हैं। जर्मिनल एपिथीलियम जो इसके सबसे आउटर लेयर में प्रेजेंट होता है ओवेरी के, है ना, कह रहा है क्या कि अप्रॉक्स एट द प्यूबर्टी एज, मतलब 12 वर्ष की अवस्था में, फीमेल के केस में 12 ईयर के एज में, यहां से कॉम्पिटिशन क्वेश्चन में क्वेश्चन आते हैं, 12 वर्ष की उम्र में एक हॉर्मोन सीक्रेट होता है। कहां से सीक्रेट होता है भाई, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और हमने इस हार्मोन का डिस्कस पहले कर चुका है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना, वहां पर यह हार्मोन स्पर्म को बनने में हेल्प करता था, और यहां पर यह हार्मोन ओवम को बनने में हेल्प करेगा इन द केस ऑफ फीमेल। ठीक है, देखिएगा, ये FSH हार्मोन जर्मिनल एपिथीलियम पे अटैक करेगा, मतलब स्टिमुलेट करेगा। जर्मिनल एपिथीलियम लेयर को क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। जैसे ही
ये जर्मिनल इपिथिलियम लेयर को स्टिमुलेट करेगा, वैसे ही जैसे ही ये जर्मिनल इपिथिलियम लेयर को क्या किया, स्टिमुलेट किया, उसी वक्त एग नेस्ट से एग निकलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, आप बोलिएगा सर ये एफएसएच हार्मोन यहां पे कैसे आ गया, तो एफएसएच हार्मोन की वजह से ही ये एग निकल पाया है, तो इसीलिए यहां पे क्या लिखे हम लोग एफएसएच हार्मोन। इसको हम लोग क्या बोले, प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल फिर से कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी फॉलिकल में बाय द हेल्प ऑफ कौन सा हार्मोन, एफएसएच हार्मोन। ठीक है, अब ये सेकेंडरी फॉलिकल फिर से कन्वर्ट होगा किसमें, टर्शियरी फॉलिकल में। इसको बोलते हैं लोग बाबू सेकेंडरी फॉलिकल। ये हो गया आपका टर्शियरी फॉलिकल बाय द हेल्प ऑफ विच हार्मोन, एफएसएच, है ना। अब ये टर्शियरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा ग्राफियन फॉलिकल में। By the help of कौन सा हार्मोन, FSH। ध्यान से देखते जाइएगा, इसके बाद आगे का दो स्टेप लिखेंगे। एग नेस्ट से एग निकला प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल किसमें डेवलप किया, सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी में, और टर्सरी ग्राफियन फॉलिकल में। क्वेश्चन यहाँ पे एक उठता है कि सर ठीक है मान लिए कि ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट किया, सेकेंडरी से टर्सरी में, लेकिन कुछ तो ऐसा होगा क्योंकि भैया ये बीच में जो प्रेजेंट है, देखिए ये बीज में जो प्रेजेंट, ये बीज में जो आप देख रहे हैं प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं एग। ये एग है तो आखिर एग तैयार कैसे हो रहा है, तो इस दोनों के बीच में एंट्रम प्रेजेंट होता है, जो रेड वाला आप देख रहे हैं ना, इस रेड वाले को हम लोग बोलते हैं एंट्रम। वैसे एंट्रम से कोई खास आपके बोर्ड के लिए है नहीं, ये कंपटीशन के लिए हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। वो जो एंट्रम है वो एग को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से एग में धीरे धीरे मैच्योरिटी आता है, वो मैच्योर करके बड़ा होता है। ठीक है, हम लोग आगे ध्यान देते हैं। ये आ गया ना, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ग्राफियन फॉलिकल में। देखिए ग्राफियन फॉलिकल का दो लेयर है, तो पहले इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, जर्मिनल इपिथिलियम। जर्मिनल इपिथिलियम पे जैसे ही किया वैसे ही एग नेस्ट से क्या निकला, बोलिए, एग नेस्ट से निकला एग बाय द हेल्प ऑफ एफएसएच हार्मोन। अब ये एग जो था जिसको हम लोग बोले थे प्राइमरी फॉलिकल, यहां कंफ्यूज नहीं करना है, ये वन डिग्री है, वन डिग्री, इसको प्राइमरी भी पढ़ते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल फिर किसमें कन्वर्ट किया, सेकेंडरी फॉलिकल में बाय द हेल्प ऑफ एफएसएच हार्मोन। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल फिर से कन्वर्ट किया किसमें, टर्शियरी फॉलिकल में बाय द हेल्प ऑफ एफएसएच हार्मोन। अभी हम देखें वहां पे टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट किया, वो टर्शियरी फॉलिकल फिर कन्वर्ट किया ग्राफियन फॉलिकल में, किसमें कन्वर्ट किया, ग्राफियन By the help of कौन सा, एफ एस एच हार्मोन। क्लियर है, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट किया। अब ये ग्राफियन फॉलिकल में देखिए यहां पे काफी इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। कहता है क्या, ग्राफियन फॉलिकल में दो लेयर प्रेजेंट है, आपको दिख रहा होगा, अंदर वाले को बोलते हैं थीका इंटरना, और ये जो बाहर वाला है इसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना।
है ना, थीटा इंटरना एंड थीटा एक्सटर्ना। अब क्या होगा, अप्रोक्स एट द एज ऑफ सॉरी एट द 14th डेज, कहता है जब 14th डेज पूरा होगा, जैसे 14 दिन पूरा होगा, ये आपको समझना जरूरी, आपको हम बताएंगे एक एक करके कैसे 14 दिन 13 दिन 12 दिन देखते हैं हम लोग, फिलहाल यहाँ पे देखेंगे। जैसे ही 14 दिन पूरा होगा उसी वक्त इसका ब्रेक डाउन होता है, ये टूट जाता है, ये दोनों लेयर टूटेगा, और दोनों लेयर के टूटने के बाद यहाँ पर जो एग है वो बाहर आ जाता है, एग कम्स आउट, जिसको हम लोग ओवोजेनेसिस भी बोलते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 14 दिन पूरा होगा एग निकला, एग निकला, यहां से बढ़ते बढ़ते जैसे ही 14 दिन पूरा होगा उसी वक्त इस लेयर टूटेगा और एग कहां जाएगा, बाहर। क्वेश्चन उठता है यहां पे कि सर आखिर ये टूटा कैसे, ठीक है 14 दिन पूरा हुआ, वो दोनों लेयर थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, बोथ लेयर टूट गया, एग बाहर आ गया, चलिए ठीक है, लेकिन वो लेयर टूटा कैसे भाई, कॉम्पिटिशन क्वेश्चन है। यहां पर कहता है क्या, जैसे ही 14 दिन पूरा होगा एग का निकला हुआ, 14 दिन जैसे ही पूरा होगा उस वक्त LH हार्मोन, जिसको हम लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बोलते हैं, है ना, ऐसे FSH हार्मोन भी बढ़ता है यहां पे, दोनों, लेकिन मेनली किसको माना जाता है, LH को, मेन हार्मोन माना जाता है। कहता है LH का जो हार्मोन है ये पीक पे रहता है, सबसे ज्यादा हो जाता है फीमेल के बॉडी में, जैसे ही 14 दिन पूरा होगा इस एग का, LH हार्मोन 14वें दिन में 14th डेज में सबसे पीक पे होगा, सबसे हाई होगा, और उसके वजह से ही LH हार्मोन के बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से ही ये लेयर टूट जाएगा और एग कहां जाएगा, बाहर, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवोजेनेसिस। क्लियर हो गया। अब जैसे ही ये ओवोजेनेसिस होगा, एग बाहर आएगा, वैसे ही उसको स्पर्म मिल जाएगा, अगर उसको स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइज कर जाएगा, इसीलिए कहा जाता है कि 14 दिन जैसे ही 14th डेज एग का पूरा होता है प्रेगनेंसी का चांस सबसे ज्यादा होता है 14th डेज में, इसी वजह से, क्योंकि एग अब कहां आ गया, पूरी तरह से बाहर आ गया है। लेकिन अगर 14th डेज के पहले होता, 3rd डे 4th डे या 5th डे में अगर स्पर्म अंदर चला भी जाता तो प्रेगनेंसी की कोई चांस नहीं होती, लेकिन 14th डेज में जो लेवल है LH हार्मोन का बहुत ज़्यादा था, जिसके वजह से ये लेयर टूट गया और एग कहाँ गया, बाहर। अब अगर एग को स्पर्म मिल गया, मतलब एग फर्टिलाइज कर गया, जैसे ही एग को स्पर्म मिलेगा, एग फर्टिलाइज करेगा, वैसे ही किसका फॉर्मेशन होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का। किसका फॉर्मेशन होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का, कब, जब एग क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया। तो यहां पर LH बहुत ज्यादा हो गया था, तो कौन से हार्मोन की वजह से हुआ है, LH हार्मोन की वजह से, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, ये ग्राफियन फॉलिकल हुआ ना, देखिएगा बाबू, ग्राफियन फॉलिकल टूटा, कैसे टूटा आपको पता चल गया, LH हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, एग बाहर आ गया, उसको हम लोग बोले ओवोजेनेसिस। अब अगर तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, ओवोजेनेसिस हो गया आपका, है ना। अब अगर इस एग को स्पर्म मिल गया तब तो ये क्या आ जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम आ गया। अब अगर मान लो अगर इस एग को स्पर्म नहीं मिला, एग को स्पर्म मिला तो कॉर्पस ल्यूटियम आ गया, अगर एग को स्पर्म नहीं मिला तब ये कॉर्पस ल्यूटियम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस में, तब किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस का। लेकिन ध्यान रखना है, कॉर्पस एल्बिकेंस का फॉर्मेशन कब होगा, जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा,
अगर एक फर्टिलाइज हो गया तब इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज, क्लियर है, यहां तक क्लियर है ना, ये पूरा क्लियर हो गया। चलिए हम लोग देखेंगे कॉर्पस ल्यूटियम का क्या फंक्शन है। कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रेट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट अ हार्मोन विच इज कॉल्ड प्रोजेस्ट्रॉन। कॉर्पस ल्यूटियम एक हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन। इट सिक्रेट हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्ट्रॉन। अब आपको पता होना, ये एक ही फंक्शन आपको याद रखना है कि प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का अब क्या काम है। तो ये जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है, हेल्प टू मेंटेन प्रेगनेंसी, याद रखिएगा, क्योंकि हमको ये पता है कि एग फर्टिलाइज हुआ था उसके बाद क्या बना, कॉर्पस ल्यूटियम बना था। तो अगर एग फर्टिलाइज हो गया तब तो कॉर्पस ल्यूटियम बना, और तब कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, एक हार्मोन्स को सिक्रेट करेगा जिसका नाम है प्रोजेस्ट्रॉन, और ये प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तब क्या बन जाता था, कॉर्पस एल्बिकेंस। चलिए यहां पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया, उसमें कुछ बचा हुआ पार्ट्स है ना, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर 3 में करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम, ध्यान दीजिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम का मेन फंक्शन क्या है। कॉर्पस ल्यूटियम किसको प्रोड्यूस करता है, आप बताइए, प्रोजेस्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता था। पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोज टू द ओवरी इज, फेलोपियन ट्यूब से सबसे नजदीक पार्ट किसका है, इनफंडिबुलम का है, क्लियर है। हम लोग यहां पे क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम वहां बना हुआ था, उसको अच्छे से बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है हर पार्ट को। 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन, चाहे वो CBSE हो चाहे वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हो। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन द लेयर ऑफ यूटरस। हम लोगों ने देखा था यूटरस का कितना लेयर था, 3 लेयर, कौन कौन, पेरी मायो और इंडो, है ना, पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम, आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है हाउ एंड व्हेन इंडोमेट्रियम ब्रेक्स आउट, कहता है कैसे और कब इंडोमेट्रियम लाइन टूटता है। आप ध्यान, आपको याद होगा अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं कि इंडोमेट्रियम लाइन कैसे टूटा। तो इंडोमेट्रियम लाइन टूटा था जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ था, एग को स्पर्म नहीं मिला, जब एग को स्पर्म नहीं मिला तब इंडोमेट्रियम लाइन टूट गया और ब्लड के रूप में बाहर आ गया। राइट फंक्शन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, भाई कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन देखें हम लोग, ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रेट प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन एंड प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन हेल्प्स इन प्रेगनेंसी, हेल्प्स टू मेंटेन इन प्रेगनेंसी, पूरा लाइन लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया इसके ऊपर। अब आप बोर्ड का क्वेश्चन कंपटीशन का क्वेश्चन बनाइए इस टॉपिक से, सारा का सारा क्लियर होगा। और कोई दिक्कत अगर हो जाए आप कमेंट करके बताएंगे उसमें। पहला लेक्चर था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो YouTube पे अवेलेबल है, सेकेंड लेक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो थर्ड लेक्चर है वो भी आपका आएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, जो हम लोग भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।